Hello everyone, my name is Umul Khair and I have achieved a 428th rank in UPSC exam in my first attempt, and I'm doing PhD from Jawaharlal Nehru University right now. और इससे पहले कि मैं कुछ आपको आगे बताना शुरू करूं, आप अगर यूपीएससी या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की किसी भी तरह की जानकारी के लिए डिटेल्ड लेक्चर लेना चाहते हैं तो आप डेली नॉलेज ट्रैक को सब्सक्राइब करें. सबसे पहले मैं आपको अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ, जिन उन स्ट्रगल्स के बारे में जिससे मैं अंडरवेंट हुई, और उसके बाद में हम डिटेल्ड स्ट्रेटेजी का डिस्कशन करेंगे जिसमें मैं आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी और कौन कौन सी मैंने बुक्स रेफर की थी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे किया था उसके बारे में बताऊंगी. सबसे पहले अगर मैं अपने बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना दूँ तो मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और बहुत एक साक्षर या यू कैन से एक अशिक्षित परिवार से मैं संबंध रखती हूँ. घर में ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है और बहुत लंबा समय मेरा बचपन का स्लम एरियाज में बीता, और मेरे पापा डेली वेज अर्नर थे, फुटपाथ पे अलग अलग सामान वगैरह बेचा करते थे. तो जब घर में इस तरह का पढ़ाई का माहौल नहीं था तो लड़कियों की पढ़ाई पे भी बहुत ज़्यादा इन्फेसिस नहीं किया जाता था. तो जब मैं 8वीं क्लास में आ गई थी तो फिर मेरे परिवार में एक तरीके से मना कर दिया गया था कि तुमने 8वीं क्लास पढ़ ली है, वो बहुत है, अब तुम्हें आगे पढ़ने नहीं दिया जाएगा. और हालांकि मैंने बहुत छोटी उम्र से 7वीं क्लास से ही मैं अपने उस सेम इस्लाम एरिया के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के पैसे का खर्चा वगैरह निकाल लिया करती थी, आई वॉज अर्निंग, मगर फिर भी घर का सपोर्ट नहीं मिल पाया. और उस मैं दिल्ली में थी तो बार बार मुझसे कहा जाता था कि तुम ज़्यादा अगर जिद करोगी तो तुम्हें राजस्थान भेज दिया जाएगा. और राजस्थान जाने का मतलब था कि एक गांव में पढ़ाई बिल्कुल भी बंद ही हो जाती, तो उसकी वजह से फिर दिल्ली में मैंने एक कमरा अलग से त्रिलोकपुरी नाम के इलाके में ले लिया जब मैं 9वीं कक्षा में थी, और मैंने अकेले रहकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. और उसके साथ साथ मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई जारी रखी, और उसी तरह जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो खुद पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि मैं 50 रुपये में पूरा पूरा महीना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, और एक दिन में कई कई बैच पढ़ाती थी ताकि इतने पैसे इकट्ठे हो पाएं कि मैं कमरे का किराया दे पाऊँ और बिजली का बिल, पानी का बिल दे के अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर पाऊँ. तो लेकिन फिर भी जो बच्चों को पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस था उसने मुझे इतना ज़्यादा मैच्योर कर दिया था, मेरा नॉलेज बेस इतना ज़्यादा ब्रॉड कर दिया था कि बिना पढ़े भी ठीक ठाक नंबर आ जाया करते थे. तो 10th में मैंने टॉप किया था, 91% मार्क्स थे. 12th में मैंने टॉप किया, 90% थे मार्क्स, और स्कूल की हेड गर्ल रही. और उसके बाद में फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स किया, और फिर MA JNU से किया, MPhil JNU से किया, और अब PhD का पहला साल है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और मेरा स्पेशलाइजेशन रशियन सेंट्रल एशियन स्टडीज़ है. मैं डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हूँ, मुझे खुद भी डिसेबिलिटी है. मेरी डिसेबिलिटी का नाम ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाडा है, जिसे आम भाषा में फ्रजाइल बोन डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं. तो बचपन में मेरे कई बार फ्रैक्चर्स हुए, कई बार करेक्टिव सर्जरीज हुई. तो जिस वक्त मैं अकेले रहती थी तो माता पिता का साथ ना होना और फिनेंशियल कंस्ट्रेंट के अलावा मेरी डिसेबिलिटी भी कुछ एक ऐसा फैक्टर था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किए रखा. मगर इन सारी चीज़ों से उभर के मैंने अपने बचपन के सपने को पूरा किया, और पहले अटेम्प्ट में 428th रैंक आई है. तो उसमें जो भी मेरी स्ट्रेटजी है, विद ऑल ह्यूमिलिटी, विद ऑल फीलिंग ऑनर्ड, आई एम डिस्कसिंग माई स्ट्रेटजी विद यू गाइस. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि UPSC के लिए हमारे मन में कुछ गलत फहमियाँ होती हैं. बहुत ही जल्दी से मैं वो गलत फहमियाँ आपको बताना चाहूँगी कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को अपनी मंजिल से दूर रखते हैं. हमारा ये मानना कि UPSC की तैयारी के लिए आपका अंग्रेजी मीडियम का होना ज़रूरी है, या ये मान लेना कि UPSC की तैयारी के लिए आपका साउंड साइंस बैकग्राउंड में होना ज़रूरी है, किसी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपकी डिग्री होनी ज़रूरी है, या फिर ये मान लेना कि UPSC की तैयारी के लिए बहुत साल जम के तैयारी करें और उसके बाद में एग्जाम में अपीयर हों, वो ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है. तो ये सब चीज़ें गलत हैं. हिंदी मीडियम या वर्नैक्युलर मीडियम के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. अगर आपका इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड नहीं है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. और जो ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं वो भी UPSC में बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपेयर परफॉर्म करते हैं. तो ऐसे में आपका क्या साइंस बैकग्राउंड था या कौन सा बैकग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता. और प्रेपरेशन के लिए 1 साल का, 1.5 साल का टाइम मोर देन इनफ है. तो कभी भी वो परफेक्शन के
पीछे बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, क्योंकि इस पूरे तैयारी के दौरान कोई एक ऐसा मोमेंट नहीं आता जब आप पूरी तरीके से 100% तरीके से आप अपने आप को तैयार समझें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कीजिएगा। और एक चीज़ जो यूपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका मोटिवेटेड होना, आपका इंटरनली मोटिवेटेड होना। मतलब कई बार ये होता है कि हमारे माता पिता ने कह दिया, किसी फ्रेंड ने कहा, किसी को देख लिया, तो उसकी वजह से यूपीएससी की तैयारी करने लगे। तो ये जो सब फैक्टर्स हैं ये आपको 2-3 महीने तक तो रख सकते हैं एनर्जाइज्ड, लेकिन यूपीएससी की तैयारी के लिए जो 1-1.5 साल तक जो आपको कंसिस्टेंटली जब डेडिकेटेडली तैयारी करनी होती है, तो उसके लिए आपको कुछ इंटरनली इंस्पिरेशनल फैक्टर की जरूरत होती है। तो उसके लिए जो है सबसे पहले वो उस वक्त आपको आएगा जिस वक्त आपको ये पता होगा कि यूपीएससी को करने के बाद में आप क्या बनेंगे और आप क्या कर पाएंगे। तो मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस का जॉब प्रोफाइल क्या है। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं, क्या क्या किस तरह से काम किया जाता है। तो सबसे पहले कि सिर्फ आप आंखें बंद करके यूपीएससी की तैयारी में लग जाएं, आप एक अच्छा रिसर्च करिए 2-3 दिन का, और पूरे प्रोसेस को तैयार की जानकारी इकट्ठी करिए कि यूपीएससी कैसे एग्जाम कराता है, किस तरीके सिलेबस क्या है, कितने पेपर्स होते हैं, पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखिए, कुछ टॉपर्स वगैरह के इंटरव्यू सुनिए, और जॉब प्रोफाइलिंग के बारे में पता करिए। तो जब आप एक वेल इन्फॉर्म्ड एस्पिरेंट होंगे तो जो आपका जो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा एग्जाम में अपियर होने का, और उसको लेके फिर जो आपके अंदर जो इंटरनली मोटिवेशन का फैक्टर जो होगा वो बहुत हद तक सस्टेनिंग होगा, और उसकी वजह से फिर आपको बार बार किसी से पूछने की, किसी से स्ट्रेटजी पता करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपको मोर और लेस पता होगा कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले कहीं और कुछ पता करने से पहले आप अपने लेवल पर एक अच्छा रिसर्च करिए, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है यूपीएससी के पूरे एग्जाम के प्रोसेस के बारे में, इसके सारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में एक अच्छा वेल इन्फॉर्म्ड बेस बनाइए।